ओम शांति। 19 फरवरी 2020 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग, यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। प्रश्न, अकलमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर, हमें योग सिखलाओ, यह बोल अकलमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, यह रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना, यह तो जानते हो मुख्य है रूह, वह तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। बड़ा तो रूह हुआ ना, अज्ञान काल में यह ज्ञान किसको नहीं रहता कि हम आत्मा हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं, देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं, मैं यह करता हूँ। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ, आत्मा मेल है। बाप समझाते हैं, यह बोल बहुत करके सुने जाते हैं, कहते हैं हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठें, यह भी बैठें। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक माशूक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं। काम काज धंधा आदि सब करना है, सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहां जाकर बैठना है। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं यह भक्ति मार्ग के हैं,
कहते भी हैं, शांति देवा। सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर वह है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा है राज योग, बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गई हो। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं है। ऐसे नहीं कि वह जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, उस ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए, जिससे यह समझें कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। विष्णु को तो हीरे जवाहरों का ताज है ना। शिव बाबा द्वारा फिर पैनी से पाउंड बने हैं। शिव का चित्र ना होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी यह रचना है। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। भल वहां फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला है, वहां यह पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रालब्ध है। यह तुमको अभी पता है। अभी की कमाई वहां 21 जन्म चलती है। वहां यह मालूम नहीं रहता है, इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। यह ज्ञान ना देवताओं में है ना शूद्रों में रहता है। यह ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। यह है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़े ही कहेंगे। भल टाइटल भी दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन हैं
एक बाप जो रूह को इंजेक्शन लगाती हैं, वह है भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे गिरते ही जाते हैं, तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। यह बाप तो है अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्थी बनते हो, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले क्या जाने, उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सदगति देना, यह बाप में शक्ति है। ऑलमाइटी पतित पावन एक फादर है। ऑलमाइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सदगति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया ही हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने, फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं, अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती हैं, पतित कोई जा नहीं सकते हैं। बुद्धि में यह तो याद रखना ही है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ संदली पर कोई ना बैठे तो भी हर्जा नहीं है। अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसीलिए यहाँ बिठाया जाता है। यह 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्प बाद माशूक मिलता है। अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। वह तो देहधारी की याद हो गई। यह तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं
तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। नौधा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। वह आश लगाकर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नौधा भक्त। वह भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशूक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है, एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं, बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। यह अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। इनको कहा जाता है आयरन एजेड। आत्माएं आयरन एजेड होने से जेवर भी ऐसा हो गया है। अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। माँ मेकम याद करो, तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। मन मनाभव मध्याजी भव, अर्थार्थ स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके यह भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहां भी बैठ याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते हैं भल सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़े ही डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। आदत यह डालनी है कि काम काज करते याद करना है। इसमें बड़ी मेहनत है, बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है, भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी बात करते हैं, तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशूक तो
नाम रूप में फंसे रहते हैं। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं। शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे, वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं कृष्ण का दीदार करें। कृष्ण का तो चित्र भी है ना। जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे, इससे फायदा क्या हुआ। साक्षात्कार से थोड़े ही फायदा होगा। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की। परंतु पढ़ने बिगर थोड़े ही बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विद ऑनर होना चाहिए, जो धर्म राज की सजा ना मिले। यह मुरब्बी बच्चा भी साथ है, यह भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं। हम इतना याद नहीं कर सकते हैं, भोजन पर थोड़ी याद रहती फिर भूल जाते हैं। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बड़ी मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वह अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है। तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे। अब लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे। महिमा बढ़ती जाएगी, अंत में सन्यासी भी आएंगे। बाप को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पार्ट ही मुक्ति धाम में जाने का है। नॉलेज तो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। पतित से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं, सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं। उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। वह वापस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे। सर्व का सदगति दाता एक है। तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते हैं। काम महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। यह बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे
सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है, मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान, मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिकर बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिकर बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.